फिट इंडिया हिट इंडिया सपोर्ट वेपन्स ट्रेनिंग स्कूल ITVP संस्थान ने गौरव में भाविनी विदाई स्वरूप आज के 42 किलोमीटर की रूट मार्च को अपने महानिदेशक SS देवराल को समर्पित किया। करेरा सपोर्ट वेपन्स ट्रेनिंग स्कूल ITVP करेरा के द्वारा भारत सरकार के फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान को सार्थक करते हुए 42 किलोमीटर का रोड रन एंड वॉक का आयोजन किया गया। संस्थान प्रमुख श्री APS निम्बाडिया उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को सुबह 1 बजे संस्थान के प्रशिक्षण ग्राउंड से की गई। इसमें संस्थान के सभी पदाधिकारियों और परीक्षणार्थियों कुल 272 हिमवारू वीरों ने जोश एवं जुनून के साथ भाग लेकर उत्तम स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही संस्थान प्रमुख ने बताया कि बल महानिदेशक सुरजीत सिंह देशवाल IPS के द्वारा बल के कर्मियों उनके परिवारों और स्थानीय निवासियों को फिट रहने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत साइकिलोथन मैराथन देश के प्राचीन खेलों जैसे कबड्डी खो खो आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही इस प्रकार के सभी आयोजनों से सामाजिक भाईचारा और एकता देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। ये बताना आवश्यक है कि ITVP बल के महानिदेशक सुरजीत सिंह देशवाल इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संस्थान ने गौरव में भाविनी विदाई के स्वरूप आज के 42 किलोमीटर के रूट मार्च को अपने महानिदेशक SS देवाल को समर्पित किया है और भविष्य में उनके द्वारा दी गई विरासत जारी रखने की प्रतिज्ञा की है। अंत में समापन सपोर्ट पेपर ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड में हुआ। समापन में सभी अधिकारियों जवानों ने जमकर नाच गान किया। उसी के साथ उप महानिरीक्षक APS निम्बाडिया ने कहा कि नाच गाने से शरीर में स्फूर्ति आती है, थकावट दूर हो जाती है। तहत किया जा रहा है और हमारी संस्था ने SWTS जो करेरा में है, हमने निर्णय लिया कि हम इसको 42 किलोमीटर करेंगे। और चूँकि 31 अगस्त को हमारे DG साहब वर्तमान में जो श्री SS देसवाल वो रिटायर भी हो रहे हैं, और श्री देसवाल साहब का ITVP में जो सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने फिजिकल पे एक अवेयरनेस सबको डेवलप किया है। तो ये हम अपने DG साहब को अपनी तरफ से फेयरवेल गिफ्ट देना चाहते थे दौड़ के रूप में। और ये आज की दौड़ जो है हमारी जो 42 किलोमीटर है वो अपने DG साहब को डेडिकेट कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से की जा रही है।